तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट। और मेहरानगढ़ फोर्ट में देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे शीश महल है, मोती महल है, जानकी महल है और चामुंडा देवी टेम्पल है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। अभी मैं हूँ जोधपुर में और जोधपुर में अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए। मेहरानगढ़ फोर्ट जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर है और इस होटल से भी मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई देता है। आपको एक बार दिखाता हूँ। फॉगी एटमॉस्फेयर होने की वजह से अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गया हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट और ये है यहाँ की पार्किंग। आप मेहरानगढ़ फोर्ट आराम से जोधपुर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी पहुंच सकते हैं, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो बहुत ही कन्वीनियंट है। अभी एक नया रास्ता 4 लेन रोड भी बना दिया है, जो कि 3-4 मंथ्स पहले ही ओपन हुआ है, और आप उस रोड को यूज़ करके बिल्कुल ईजिली यहाँ पे 10-15 मिनट्स में जोधपुर से पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊँची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस किले में 7 गेट हैं, यानी कि पोल। पहला है जय पोल, फतेह पोल, गोपाल पोल, डेढ़ कांगड़ा पोल, अमृति पोल, लोहा पोल और सूरज पोल। इसकी फाउंडेशन जो ले करी गई थी वो 1459 में ले करी थी, जो यहाँ के राजपूत रूलर थे राव जोधा। और उसके बाद मंडोर से यहाँ पर वो लोग शिफ्ट हुए थे और मेहरानगढ़ फोर्ट में उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। मेहरानगढ़ फोर्ट में देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे शीश महल है, मोती महल है, जानकी महल है और चामुंडा देवी टेम्पल। ये यहाँ की हैं छतरियाँ, जो कि अलग अलग लोग जो बैटल में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में ये छतरियाँ वगैरह बनाई हुई है। ये है यहाँ का फेमस गेट, जो कि एंट्रेंस है और एग्ज़िट भी है। ये है जयपोल, जिसे कि विक्ट्री गेट भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह द्वारा 1806 में जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। ये यहाँ के बड़े बड़े दरवाजे। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये यहाँ पे टिकट काउंटर्स है, प्रवेश शुल्क यहाँ पे 200 रुपीज़ है। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तो नीचे से हम लोग जा सकते हैं यूजिंग पैदल का ही रास्ता ये है, और अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। जिस जगह हम खड़े हैं ये एक स्पेशल स्पॉट है और यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्ट स्टैंड्स अबव द रायलाइट रॉक ऑफ मेलानी इग्नियस सूट रिप्रेजेंटिंग द लास्ट सेगमेंट ऑफ इग्नियस एक्टिविटी ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और 1976 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट का टैग दिया था। ये लिफ्ट को यूज़ करके हम आ गए हैं किले के सबसे ऊपर, और ये सामने देखिए कैनन्स कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, और इन कैनन्स का यूज़ करते थे इस किले को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वो एरिया जहाँ पे हम पार्किंग करके आए अभी, और यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा जोधपुर। ये जितने भी ब्लू घर देख रहे हैं, जोधपुर को वैसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, बट पुराने काल में ये कहा जाता था कि जो भी ब्राह्मणों के घर होते थे वो ब्लू कलर में होते थे, अलग से डिस्टिंग्विश करने के लिए। और सामने है उम्मेद भवन पैलेस, ये सामने है जसवंत थाड़ा, जो भी रॉयल लोग जो भी जिनका डेथ हो जाती थी उनका क्रीमेशन वहीं पे होता है, तो उसके नाम पे ये जसवंत थाड़ा है, इस जगह को बोलते हैं। अभी चलते हैं अंदर। इस किले की नींव चरण जाति के ऋषि की पुत्री श्री करणी माता ने रखी थी। चूँकि राठौरों के मुख्य देवता सूर्य देवता थे, इसलिए किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया, जहां मेहरान का अर्थ सूर्य और गढ़ का अर्थ किला था। ये है दौलत खाना चौक।
इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने लगभग 1718 ईस्वी में करवाया था। इस प्रांगण का उपयोग जोधपुर के महाराजाओं द्वारा दशहरा, होली और आख तीज उत्सव के दरबार आयोजित करने के लिए किया जाता था। ये देखो कितनी महीन कारीगरी की हुई है, पूरा का पूरा प्रॉपर सैंडस्टोन के अंदर पूरे के पूरे इंट्रिकेट कार्विंग्स, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। ये है सामने दौलत खाना, सबसे पहले चलते हैं इधर, एंट्री करते हैं। दिस इज इमोशंस ऑफ लव एज एक्सप्रेस बाय द आर्टिस्ट ऑफ मारवाड़। और ये देखिए कितनी, ये सारी की सारी नेचुरल कलर से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। और जो नेचुरल कलर्स यूज हुए हैं वो ये गोल्ड, जो भी ये आप देख रहे हैं ये गोल्ड गोल्ड से बना हुआ पूरा का पूरा। अपने पत्थर में देखिए कितनी अच्छी अच्छी कारीगरी, ये सारी की सारी जितनी भी पेंटिंग्स हैं पूरे की पूरी ये नेचुरल कलर्स में बनाई हुई है। और जो भी आप यहाँ पे गोल्ड का वर्क देख रहे हैं ये सारा का सारा प्योर गोल्ड में बनाया हुआ है, प्योर गोल्ड का कलर यूज करके। और तभी ये पेंटिंग बनाई गई। दौलत खाना एक 3 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण अजीत सिंह जी द्वारा करवाया गया था, तो इसे अजीत विलास के नाम से भी जाना जाता है। पहली मंजिल पर महल के कमरे हैं और दूसरी मंजिल खुली छत है। और जो दौलत खाना का जो अब ये ग्राउंड फ्लोर है इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर शाही परिवार से संबंधित कई अनोखी कलाकृतियाँ यहाँ पर प्रदर्शित है। हालांकि केंद्रीय टुकड़ा एक सुंदर पालकी है जो बिल्कुल राजपूत शैली में नहीं है। इस पालकी के पीछे एक विचित्र इतिहास है। ये असल में गुजरात का है। 1730 के दशक में जोधपुर राजा ने अंग्रेज़ों के अधीन गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यह पालकी उस दौरान गुजरात से लाई गई थी। और ये महाराजा अजीत सिंह की तलवार है, ये मुगल एम्परर अकबर है उनकी तलवार है। ये कारपेट पे पूरी जो कारीगरी की हुई है। और ये अलग अलग टाइम पे जो भी राजा रहे हैं, जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें थी रखने के लिए, जैसे ये वाइन फ्लास्क है, ये बीटल बॉक्स है, ये क्लास पॉट है, ये वर्मिलियन बॉक्स है, ये पेन बॉक्स है, तो ये अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करके यहाँ पे रखी हुई हैं। रॉयल लेडीज़ होती थी उनका कॉस्मेटिक बॉक्स है, सुराही इधर है, ये हुक्का है, ये रॉयल चौका है, ये लॉक है जो कि पैड लॉक है, जैसे कि ये दिख रहे हैं दरवाजे पे ये लगाते थे पहले। ये अलग अलग समय के अलग अलग ये कॉइन्स हैं, जो भी राजा यूज करते थे, जो भी राजा आते थे वो अपने अलग अलग सिक्के चलाते थे। तो ये मुगल कॉइन्स हैं, ये मारवाड़ के कॉइन्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट कॉइन्स हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स हैं। और ये गणगौर देवी जी की मूर्ति है। और ये बंदूकें हैं, बंदूकें तोड़दार। चलते हैं नेक्स्ट कक्ष की ओर। अभी ये यहाँ पे जाएंगे हम शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। और उसके लिए हमें लेना है ये स्टेयरकेस। ये पूरा का पूरा टेंट हाउस है। जब राजा शिकार करने के लिए जाता था तो इस तरह से उनके लिए टेंट लगाया जाता था जंगल में। ये कारपेट्स वगैरह हैं जो कि बिछाए जाते थे। ये अलग अलग इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया, पर्दे कैसे थे, सरकड़े के पर्दे, बिछायत कैसी होती थी, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरा। ये हर राजाओं की पसंदीदा पोशाक होती थी जिसे अंगरखा बोलते हैं। ये है पैलेस ऑफ मिरर जिसे शीश महल भी बोलते हैं। शीश महल का निर्माण राजा अजीत सिंह ने करवाया था। और शीश महल की ये जो वॉल्स हैं इन पर
थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मिरर्स लगे हुए हैं। और ये शीश महल कभी महाराजा अजीत सिंह के निजी अपार्टमेंट का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ब्रह्मा भगवान को दिखाया गया है सामने, शिव पार्वती की पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं। चमकदार एकमात्र शब्द है जो मेहरानगढ़ किले के शीश महल को एक्सप्लेन कर सकता है। जब लाइट किसी मिरर पर पड़ती है तो वो कई बार रिफ्लेक्ट होती है और कमरे को चमकता हुआ रूप देती है। ऐसा लग रहा है जैसे शीश महल की दीवारों में आग लग गई हो। ये भगवानों की चित्रकारी की हुई है पूरी यहाँ पे। ब्रह्मा विष्णु शिव भगवान को यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ, दूसरे महल की तरफ। इस कक्ष को फूल महल के नाम से जाना जाता है। फूल महल का अर्थ है फूलों का महल और इसे राजा अजीत सिंह के पुत्र राजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था। फूल महल में जो मेन डेकोरेशन मटेरियल है जो यूज़ किया गया है वो प्योर गोल्ड है। छत पर, दीवारों पर और इन खंभों पर पूरी तरह से पतली सोने की चादर चढ़ी हुई है और कमरे की लग्जरी को बढ़ाने के लिए जो विंडोज़ हैं उनके शीशों पर लाल रेशमी पर्दों के साथ साथ रंगीन शीशे लगे हुए हैं। राजा अभय सिंह के बाद राजा तखत सिंह ने भी फूल महल में मॉडिफिकेशन करवाया और अपने बेटों के पोर्ट्रेट्स वहाँ पर लगवाए। अभी एंटर कर रहे हैं शस्त्र खाना आर्मरी। ये है तलवार बनाने की प्रक्रिया पूरी और ये अलग अलग टाइम पे राजा द्वारा यूज़ किए गए जो वेपन्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ये है तख्त विलास और इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। वह अंतिम शासक थे जो इस किले में रहा करते थे। वो यहाँ पर 1843 से 1873 के बीच में रहा करते थे और इस महल को सजाने के लिए कई पारंपरिक शैलियों का उपयोग किया गया था। महल की दीवारों पर चित्र बने हुए हैं जो गीले प्लास्टर की मदद से बनाए गए हैं। सीलिंग में वुडन बीम दिए गए हैं जो कृष्ण लीला, लोक ढोला मारू आदि जैसे कई चित्रों से सजाए गए हैं। फर्श इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी सोच सकता है कि फर्श कालीन से ढका हुआ है। ये सामने जो पेंटिंग है ये वीर दुर्गादास राठौड़ जी की पेंटिंग है। वो एक वीर राठौड़ राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। इनकी वीरता और ईमानदारी के किस्से पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। औरंगजेब को शिकस्त देने के लिए इन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि उसका बेटा मोहम्मद अकबर तक खुद इनके पाले में आ गया था। ये सामने है झांकी महल और झांकी महल में जितने भी रॉयल बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके लिए जो पालने यूज हुए हैं उनके समय पर वो सब इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक पालना गोल्ड कलर से बना हुआ है और बड़े सुंदर बनाए हुए हैं। और ये पालना इनमें सबसे बड़ा पालना है और ऊपर देखिए छत पर पूरी नक्काशी की हुई है, पूरा ब्लू कलर से पूरा का पूरा इसमें कार्विंग्स वगैरह की हुई हैं, कलर भरे हुए हैं पूरे के पूरे। ये है जनाना देवड़ी या इसे जनाना महल भी कहते हैं, महिलाओं का महल भी इसे कहा जाता है। और ये सामने देखो वॉल्स पर कितना ब्यूटीफुल आर्टवर्क किया हुआ है। और ये सामने है मोती महल। मोती महल मेहरानगढ़ फोर्ट का लास्ट और सबसे इम्प्रेसिव प्लेस है। यह झांकी महल के ठीक बगल में है और किले के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। महाराजा सूर सिंह ने 1571 से 1619 ईस्वी में अपने मंत्रियों और आम लोगों से मिलने के लिए इस महल का निर्माण कराया था, दीवाने आम की तरह। यहाँ पर महाराज का सिंहासन, दो तरफ रंगीन दर्पण द्वार और सुनहरी छत है। इस कमरे में 5 कोठरियाँ हैं जो छिपी हुई बालकनियों की ओर ले जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि राजा की रानियाँ वहाँ बैठती थी और अदालत की कार्यवाही सुनती थी बिना अन्य लोगों की नज़र में आए हुए। ये सामने है श्रृंगार चौक। अगर आप पैदल के रास्ते फोर्ट को देखने के लिए आते हैं तो ये सबसे पहला कोर्टयार्ड पड़ता है। अगर आप लिफ्ट लेकर आते हैं तो ये कोर्टयार्ड सबसे लास्ट में पड़ेगा देखने के लिए और ये बिल्कुल मोती महल के साथ में है। ये सामने है गन टेरेस और देखो यहाँ पर कितनी सारी कैनन्स रखी हुई हैं, स्मॉल साइज़ से लेकर लार्ज साइज़ तक काफ़ी सारी कैनन्स हैं। और वो सामने है राठौड़ों का रॉयल झंडा
और जितनी भी ये कैनन है ये स्मॉल साइज से लार्ज साइज मतलब कि कम दूरी से लेकर ज़्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता रखती थी। इस किले पर काफ़ी सारे आक्रमण होते रहते थे तो उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए इन कैनन्स को यहाँ पर रखा गया था। ये सामने है चामुंडा माता जी का टेम्पल। चामुंडा माता जी राजपूत राजाओं की कुल देवी थी और राव जोधा जी जो राजा थे उनकी पसंदीदा देवी थी। 2008 में चामुंडा माता जी मंदिर में एक दुर्घटना हुई थी। उस टाइम नवरात्रि उत्सव के दौरान इस टेम्पल में भगदड़ मच गई थी जिसमें 249 लोगों की डेथ हो गई थी। मेहरानगढ़ किले के इस हादसे में और भी लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। देवी चामुंडा माता जी की मूर्ति को वर्ष 1460 में राव जोधा द्वारा किले में लाया गया था। यह मूर्ति पहले मंडोर में स्थित थी। चामुंडा माता जी स्थानीय लोगों में काफ़ी पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने बाज का रूप धारण करके और सुरक्षा उपायों के समय ग्रामीणों को चेतावनी देकर जोधपुर की रक्षा की थी। मेहरानगढ़ किले के बनने की कहानी कुछ इस तरह है कि राव जोधा जब जोधपुर के 15वें शासक बने उसके एक साल बाद ही उन्हें लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। राव जोधा अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने की सोची। उस पहाड़ी को भोर चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटा दे। सभी लोग वहाँ से चले गए, सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति विशेषकर एक संत को छोड़कर जिन्हें चिड़िया वाला बाबा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्हें पक्षियों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने में आनंद आता था। राजा के आदेशों से बहुत परेशान होकर संत व्यक्ति ने राजा को श्राप दिया कि यदि वह पहाड़ी पर अपने सपनों का महल बनाएगा तो उसके राज्य में बार बार सूखा पड़ेगा। ये दीवारों पे जो हाथ आप देख रहे हैं ये जो रानियां सती हुई थी उनके हाथों के निशान हैं। इसके आगे की कहानी ऐसे है कि भयानक श्राप सुनकर हैरान और भयभीत राजा ने खुद को चिड़िया वाले बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया और क्षमा मांगी। अपने शब्दों को वापस लेने में असमर्थ संत ने श्राप को बेअसर करने के लिए एक और एकमात्र समाधान प्रस्तुत किया। राज्य के किसी व्यक्ति को जानबूझकर जिंदा दफन होकर अपनी जान देनी होगी। जब राजा को अपनी प्रजा के बीच कोई व्यक्ति नहीं मिला तो राजा राम मेघवाल नाम का एक नेक दिमाग वाला व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान देने के लिए आगे आया और इस प्रकार राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। और ये सामने है राजा राम मेघवाल की बीरियल साइट और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके ग्रेट सेक्रीफाइस को ट्रिब्यूट देने के लिए ये मेमोरियल बनाया हुआ है सैंडस्टोन में। उनका नाम, उनका डेट ऑफ बीरियल और अदर रेलिवेंट डिटेल्स इन स्टोन पर एनग्रेव की हुई हैं। ये किले की दीवारों पर जो आप निशान देख रहे हैं ये गोलियों के निशान हैं जो समय समय पर आक्रमणकारियों द्वारा किए जाते रहे हैं। तो ये था मेहरानगढ़ फोर्ट का कंप्लीट टूर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
आजाद।